20 रुपया हमारे मालिक बाबा के पहुंचे में देते हैं, हमारे बाबा सुख शांति का प्रकाश करें। एक दिन बन रही पति मेरे की उधर दे तेरे दिखाई नाई मेरे आज बिगड़ गई अरे पति मेरे की तो तिबरो मेरो ते तोरे दिखाई नाई काला खाको सब ये बिजली नाई ये खबर तुम्हारा तोरे परिया है ना अरे जी उतारा रंजीत सिंह ये मालिक बाबा के महोत्सव देते मालिक बाबा सुख शांति का प्रकाश करें घेरे घेरे भंडार भरा तो श्याम सुंदर भगवान पालना में झुलाए बधाई मांगी और अब शंकर भगवान के लिए मालूम पड़ी तो भोलेनाथ और नंदी पर सवार होकर के श्याम सुंदर भगवान के दर्शन करने के लिए माँ यशोदा के दरवाजे पर किस तरीका से आते हैं और जोर जोर से डमरू बजाने लगे आलोक जगाने लगे आलोक निरंजन। अरे बाबा कहिए भैया जो जोर जोर से डमरू बजाती हो अच्छा तुम्हारी डमरू की आवाज सुन के मेरे लाला भी सोयो है और तुम्हारी डमरू की आवाज सुन के मेरे लाला जग जागो और तुम्हारे भैंस को देख के बाबा मेरे लाला डर जाए डर जागो। मैया कितनी बावली जिनकी माया निमेश मात्र में हजारों ब्रह्मांडों की रचना करती है कवा कभी वो किसी से डर सकता है। मैया तो मैं तेरे दरवाजे थे और बगल श्याम सुंदर भगवान के दर्शन किए हुए और तेरे दरवाजे से नहीं जाऊंगा बाबा मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अच्छा जो चुप के ले जाओ उनमें के बाबा मन समझे मोक स्यास के मूल मुड़ा भय सन्यासी मोकी खो गई आवा और पिसो पिसाओ चून खाते हैं लोग कहते हैं बाबा उनमें के बाबा नहीं है और ये तो चेतकी बाबा है। अरे यहाँ तो ऐसे आते रहते जाते रहते तो मैया कहने लगी अरे बाबा माते संग को बजावे
मालिक बाबा के महोत्सव देते हैं, मालिक बाबा सुख शांति का प्रकाश करें। तो इधर श्याम सुंदर भगवान के दर्शन कर करके
शंकर भगवान चले जाते हैं, इधर माँ देवकी जेलों में पश्चाताप करती है। जा दिन से मेरो लाला गयो है, बाद दिन से न कोई खबर मिली, न भूखो होगो या प्यासो होगो, दूसरी माँ तो दूसरी होती है, न मालूम लाला किस तरीका से और गोकुल में रह रहा होगा। कभी ने लिखा है